Hey guys, how are you doing today? I know that the new cue cards are troubling you a lot और आप ढूंढ रहे हैं उनके सैम्पल आंसर्स, मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस का आप इंतज़ार कर रहे हैं और ना भी नोटिफिकेशन आए फिर भी आप मेरे चैनल पर बार बार आ रहे हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं रमनदीप सर ने कोई नया क्यू कार्ड तो अपलोड नहीं कर दिया. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट एज आई से दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक आवर्स एंड आवर्स टू एडिट द वीडियोज बिफोर दे गेट फाइनलाइज to be uploaded on YouTube, and I hope you understand and have the patience to wait for my new cue cards. इसलिए तो मैं आपके लिए live sessions भी अभी कर रहा हूँ ताकि जिन बच्चों के जल्दी जल्दी exam आ रहे हैं speaking के वो मेरे साथ in touch आ जाएं और जल्दी जल्दी इन सारे cue cards को prepare भी कर लें. आइए मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूं कि मेरा आने वाला क्यू कार्ड कौन सा है और क्यू कार्ड है वो मोस्ट वेटेड जो स्टूडेंट मुझे बार बार पूछ रहे हैं. द क्यू कार्ड इज टॉक अबाउट अ सॉफ्टवेयर दैट यू यूज ऑन रेगुलर बेसिस. व्हाट दिस सॉफ्टवेयर इज, हाउ डू यू नो अबाउट इट, फॉर व्हाट पर्पस यू यूज इट एंड हाउ इट हेल्प्स यू. तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज है माय डियर कि इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँ. मैं इस वीडियो में और भी ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाला हूँ क्योंकि मेरा काम ही है आपको कन्फ्यूज करना. इज दैट राइट? No? Yes. मैं आपको कंफ्यूज क्यों करूंगा? बिकॉज मेरा काम है कि थिंग्स को जितना इजी हो सके आपके लिए बनाना. उसके लिए अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा जो आपको थॉरली रीड करना होगा. अगर आप देखिए पैरामीटर्स क्राइटेरिया के स्पीकिंग में और राइटिंग में आपको किस किस चीज़ के बैंड्स मिलते हैं, राइटिंग में टॉप पे रहता है टास्क रिस्पांस, लेकिन यहाँ पे टास्क रिस्पांस नाम की कोई चीज़ नहीं है. कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कुछ डायरेक्टली समझ नहीं भी आता है, आप थोड़ा बहुत रिलेट करके अगर बोल भी देते हो तो उसके बिहाफ पे आपके नंबर कट नहीं होते हैं. आपकी फ्लुएंसी को चेक किया जाता है, आपकी लैंग्वेज को चेक किया जाता है, आपकी ग्रामेटिकल रेंज को चेक किया जाता है, आपकी प्रेजेंटेशन स्टाइल एंड वोकैबुलरी, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है. सॉफ्टवेयर देख के बहुत सारे स्टूडेंट घबरा गए हैं क्योंकि ज़माना लैपटॉप का कंप्यूटर का ख़त्म हो गया है, हम आ गए हैं मोबाइल्स में और सिर्फ नज़र आती हैं एप्लीकेशंस. मैं छोटा था जब मैं स्कूल में पढ़ता था, आपने भी ज़रूर पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर दो तीन तरह के होते हैं या दो तरह के होते हैं. एक तो आई एम श्योर सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को रन करने का काम करते हैं, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है और उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है. वो अपने आप ही अपडेट होते रहते हैं और वो आपके सिस्टम को स्मूथ ऑपरेशन मोड में रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप भी मोबाइल पर चेक करते होगे, कई बार मैसेज आ जाता है सिस्टम अपडेट अवेलेबल, आप उसको क्लिक कर देते हो, सिस्टम अपडेट हो जाता है. एट द सेम टाइम दूसरे एप्लीकेशंस रहते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जिनका काम कोई स्पेसिफिक रहता है और आप उनको यूज़ करते हो और उनको यूज़र इंटरेक्शन भी रहती है कि आप कुछ करोगे तभी वो काम होगा, और इन्हीं का नाम आज ले लिया है हमारे एप्लीकेशंस ने, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है आई एम वेरी मच डिटैच फ्रॉम माई टेक्निकल स्टडी जो मुझे कभी भी पसंद नहीं आई. बट ऑल आई वॉन्ट टू से, डू नॉट गेट कन्फ्यूज इन दिस क्यू कार्ड. वट एवर द एप्लीकेशन दैट यू आर यूजिंग, यू आर कम्फर्टेबल विद, जस्ट उसके बारे में बिंदास बोलिए. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आइडिया जो मेरे आने वाले क्यू कार्ड में रहेगा, और उसमें सीधा मैं आपके साथ क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर डिस्कस करने वाला हूँ और बात करूँगा एक ऐसे ऐप की जिसका नाम आपको मुझे कॉमेंट्स में बताना है. अगर आपको समझ आए उसमें आप टाइप कर सकते हो, स्टूडेंट होने की वजह से आप उसमें असाइनमेंट्स बनाते हो क्योंकि असाइनमेंट्स बनाना आपकी लर्निंग का एक बहुत ही इंडिस्पेंसिबल पार्ट है. आपको माइनर असाइनमेंट्स और मेजर असाइनमेंट वंस इन अ ईयर भी बनानी होती है. आपकी असाइनमेंट्स जो रहती हैं वो आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों ही सबमिट करवानी होती है, तो यहाँ पर आप बना के उसको पेन ड्राइव में सेव करके सबमिट कर देते हो और प्रिंट आउट निकालने के बाद अपने टीचर को एज अ हार्ड कॉपी भी प्रेजेंट कर देते हो. आपकी सभी असाइनमेंट्स वेल अरेंज रहती हैं और ईज ऑफ एक्सेस मिलता है. आपको प्रीवियस अगर ढूंढनी है तो ये नहीं है कि मैंने कौन सी कॉपी में बनाई थी, कहाँ पे रखी थी, मिल नहीं रही, ये सब कुछ बड़ी ईजिली मैनेज हो जाता है. सॉफ्टवेयर जो है आपको सिर्फ आपके असाइनमेंट्स तक ही नहीं कन्फाइंड रखता, आजकल आप लैंग्वेज लर्निंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हो, वो तो दिख ही रहा भाई, आल्स कर रहे हो आप, तो आपका इंटरेस्ट है कि आप नई नई लैंग्वेज के वर्ड सीखो. और यहाँ पर आपको मल्टीपल लैंग्वेज फॉन्ट्स भी मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो
और अपनी रीजनल लैंग्वेज हिंदी पंजाबी व्हाटसोएवर उसमें भी टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने काफ़ी वर्ड्स की लिस्ट बना रखी है जो इंग्लिश का आपको पहले नहीं पता थे, अब सामने उसके आपने अपनी रीजनल लैंग्वेज में मीनिंग लिख लिया है जिसकी वजह से अब आपको वो वर्ड्स याद होने लगे हैं। लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट में ये सॉफ्टवेयर और भी आपकी हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर है स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक टूल। आप जब भी टाइप करते हो बहुत सारे स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर उन सारी मिस्टेक्स को हाईलाइट कर देता है। इतना ही नहीं कि वो सिर्फ हाईलाइट करता है बल्कि वो आपको ये सजेस्ट भी करता है कि इन मिस्टेक्स को कैसे रेक्टिफाई करना है, और अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको ये भी बताता है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो ये थी मेरी आज की पहेली। अब आप इतनी सारी बात सुनने के बाद मुझे बताओगे कि मैं कौन सी एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ या कौन से सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। समझ आया तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप इतनी बात बहुत है कि अपना सैम्पल आंसर आप खुद ही बना लोगे। अगर नहीं भी बनेगा, मेरी वीडियो आने वाली है एक आध दिन में, उसमें आप फॉलो कर लीजिएगा। आई रमनदीप सिंह, से गुड बाय राइट नाउ, आई विल कैच यू वेरी शॉर्टली इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई से गुड बाय।